हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की इस वीडियो में जो हमारी साइंस की सीरीज चल रही है टॉप 50 क्वेश्चंस की, उसका सेट 6 पार्ट 6 आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपने पुराने पार्ट्स को मिस कर दिया है तो पुराने पार्ट्स आपको चैनल पे मिल जाएंगे, आप उनको देख सकते हैं। जितने भी क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे। अगर आपको ई बुक बाय करनी हो तो हमारी वेबसाइट रहेगी ravibookspdf.com के नाम से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी ई बुक्स को बाय कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, नट्स, वेजिटेबल ऑयल एंड फिश आर गुड सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो मेवे, वनस्पति तेल और मछली निम्नलिखित में से किसका अच्छा स्रोत है। तो इसमें हमारा गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी हेल्दी फैट इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बेल मेटल इज एन एलॉय ऑफ। तो बेल मेटल जो होता है ये डैश का एक मिश्र धातु होता है। किस चीज से बना होता है आपका बेल मेटल? तो इसमें हमारा Cu एंड Sn इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर कुछ और एलिमेंट्स की बात करें, कुछ चीज़ों की बात करें, उनके अलॉयज की बात करते हैं, तो स्टील जो होता है ये एक अलॉय होता है CFe और Ni का। स्टेनलेस स्टील की अगर बात करी जाए तो Cr, Fe और Ni। सोल्डर की अगर बात करी जाए तो PbSn, ब्रोंज CuSn, ब्रास CuZn, गन मेटल CuZnSn, जर्मन सिल्वर CuZnNi, नाइक्रोम होता है NiCrFe का मिक्सचर, मैग्नीलियम होता है Mg एल्यूमिनियम का, ड्यूरेलियम होता है एल्यूमिनियम Mn और Cu का। तो ये आपके कुछ एलिमेंट्स हो जाएंगे, कुछ चीज़ें हो जाएंगे जिनके मिक्सचर्स, जो मिश्र धातु होते हैं, वो हमने यहाँ पे कवर किए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रोक्यूफोर्टिन सी इज फाउंड इन। तो रोक्यूफोर्टिन सी किस में पाया जाता है? तो इसमें हमारा ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो चीज़ होती है इसमें भी, जो ब्लू चीज़ होती है उसमें मेनली आपको रोक्यूफोर्टिन सी जो होता है ये पाया जाता है। रोक्यूफोर्टिन सी जो होता है ये क्या होता है? तो ये एक टाइप का आपका माइकोटॉक्सिन होता है। तो ये आपको याद रखना है कि रोक्यूफोर्टिन जो है आपका सी, ये चीज में मिलता है। व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम? तो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर 23 हो जाएगा। 23 इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है। अगर हम सोडियम की बात करें, सोडियम का सिंबल क्या होता है? तो Na सिंबल होता है सोडियम का, जिसका एटॉमिक नंबर 11 होगा। एटॉमिक मास की अगर बात करी जाए, 23 हमने कवर करा जो अप्रोक्सीमेट लगेगा। अगर बिल्कुल परफेक्ट की हम बात करें तो 22.98 आपका एटॉमिक मास होता है सोडियम का। सोडियम जो होता है एक हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, अल्कलाई मेटल होता है, और ये आपके ग्रुप 1 जो होता है पीरियोडिक टेबल का उसमें बिलोंग करता है। एन आइसोटोप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। निम्नलिखित में से किसका आइसोटोप कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है? तो इसमें कोबाल्ट आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसको हम कोबाल्ट थेरेपी के नाम से भी जानते हैं। या तो आपको कोबाल्ट थेरेपी मिलती है या कोबाल्ट 60 भी मिलता है आपको, जिसको यूज किया जाता है कैंसर के ट्रीटमेंट में। जो कैंसर का ट्रीटमेंट होता है उसका एक नाम होता है जिसको हम कीमोथेरेपी बोलते हैं। एग्जाम में पूछी जाती है आपसे, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी गैस होती है जिसको यूज़ किया जाता है रेडिएशन के लिए, जो यूज़ होती है कैंसर के ट्रीटमेंट में, तो वो आपकी रेडोन गैस होती है। रेडोन जो होता है एक एलिमेंट होता है जिसकी मदद से हम कैंसर के ट्रीटमेंट आपका किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इमल्जन। तो निम्नलिखित में से कौन सा इमल्जन का एक उदाहरण है? तो इसमें आपका मिल्क एक इम्पॉर्टेंट रहता है। मिल्क जो है एक इमल्जन का एग्जाम्पल आपका माना जाता है। अगर कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करी जाए, जैसे जैसे आपका सॉलिड एरोजोल होता है उसमें आपका स्मोक डस्ट हो गया एयर में जो प्रेजेंट होता है, सॉलिड इमल्जन में आपका चीज बटर आता है, लिक्विड इमल्जन की अगर बात करी जाए तो उसमें मिल्क हो गया, मेयोनीज हो गए। अगर लिक्विड एरोजोल की बात करी जाए तो उसमें फॉग, मिस्ट, क्लाउड्स होते हैं। अगर फोम की बात करी जाए, शेविंग क्रीम फॉर्म में आता है। सॉल्यूशन और जेल की बात करी जाए तो ब्लड हो गया, मड हो गया, ये आपके सॉल्यूशन और जेल होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन फोटोग्राफी। फोटोग्राफी में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सोडियम थायोसल्फेट, जो कि आपका फोटोग्राफी में यूज किया जाता है।
और फोटोग्राफी में एक और हमने पिछले जो हमारे पार्ट्स हैं उनमें कवर किया था सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड भी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगर आपको सोडियम थायोसल्फेट मिलेगा तो ये भी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बोरेक्स इज, तो बोरेक्स का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, Na2B4O7 और .H10H2O, ये फॉर्मूला होता है आपका बोरस का। अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो कास्टिक सोडा का अगर हम केमिकल नेम बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, ड्राई आइस का होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लू विट्रोल का होता है कॉपर सल्फेट, ग्रीन विट्रोल का फेरस सल्फेट, ऑयल ऑफ विट्रोल का सल्फ्यूरिक एसिड, सॉल्ट पैटर का आपका पोटेशियम नाइट्रेट, केमिकल फॉर्मूला केमिकल नेम होता है। द रेंज ऑफ डैश फोर्स इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to 16 मीटर, तो डैश बल की सीमा 10 से 16 मीटर के क्रम की है। यहां पे आपको 10 से 16 मिल सकता है या फिर आपको 10 से 18 मिलेगा, तो उसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वीक न्यूक्लियर। वीक न्यूक्लियर फोर्स का आपका जो ऑर्डर होता है, जो रेंज होती है, वो होती है 10 से लेके 18 मीटर के बीच में। 16 यहां पे आपको प्रोवाइडेड है, ये भी आपकी वीक न्यूक्लियर फोर्स का ही एक आपका रेंज हो जाएगा। अगर यहां पे आपसे ग्रेविटेशनल फोर्स, जो हमारा सेकंड ऑप्शन है, उसकी बात करी जाती है, जो हमारी ग्रेविटी फोर्स है वो आपकी कितनी हो सकती है, तो वो आपकी इन्फिनिटी हो सकती है। वीक फोर्स 10 से 18 मीटर रेंज होती है आपकी। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात करी जाए तो ये भी आपकी इन्फिनिटी होती है। स्ट्रांग फोर्स जो हमारा तीसरा ऑप्शन है, अगर उसकी बात करी जाए तो वो 10 से 15 मीटर आपका उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारी चारों रेंजेस होती हैं, चार टाइप की फोर्सेज होती हैं, चारों को यहाँ पे हमने कवर किया है। हु गेव द थ्योरी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, तो रक्त परिसंचरण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा विलियम हार्वे के द्वारा सर्कुलेशन ऑफ ब्लड की थ्योरी को दिया गया था। एन इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज डैश, तो जो आपका उत्तल दर्पण होता है उसके द्वारा जो छवि बनती है वो हमेशा डैश होती है। कैसी इमेज होती है? तो आपकी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज होती है जो कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू बनती है। अगर कॉनकेव आपसे पूछ ली जाती कि कॉनकेव मिरर से कौन सी इमेज बनती है, तो उससे हमेशा रियल और वर्चुअल इमेज बनती है। दोनों में डिफरेंस आपको याद रखना है, कॉन्वेक्स से वर्चुअल और इरेक्ट बनती है और कॉनकेव से रियल और वर्चुअल बनती है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज ऑफ हार्ट ट्रांसफर नो मीडियम इज रिक्वायर्ड, हीट ट्रांसफर, हीट का जो ट्रांसफर होता है उसके लिए कोई मीडियम रिक्वायर नहीं होता है, गिवन कौन से वेज में? तो इसमें हमारा रेडिएशन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें आपका हीट ट्रांसफर में किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइलम एनिलिडा, तो फाइलम एनिलिडा जो होता है उसका गिवन ऑप्शंस में से कौन सा एक उदाहरण है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर अर्थवॉर्म हो जाएगा। अर्थवॉर्म एक एग्जाम्पल से आपके फाइलम एनिलिडा के। इन विच ईयर डीआरडीओ वॉज सेटअप, डीआरडीओ जो ऑर्गेनाइजेशन है इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1958 में आपका एस्टेब्लिश हुआ था डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगर हेडक्वार्टर की बात करी जाए तो न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। चेयरमैन आपसे पूछे जा सकते हैं, प्रेजेंट टाइम में समीर वी कमात चेयरमैन है आपके डीआरडीओ के। जो मिनिस्ट्री रेस्पॉन्सिबल होती है डीआरडीओ से रिलेटेड है वो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रहेगी। डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर डीआरडीओ वर्क करता है। प्रेजेंट टाइम में डिफेंस मिनिस्टर है इंडिया के राजनाथ सिंह। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की यहाँ पे और बात करेंगे जिनके एस्टैब्लिशमेंट को एक बार देखते हैं, तो सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट 1950 में एस्टैब्लिश हुआ था। नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट 1953 में एस्टैब्लिश हुआ। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR 1911 में एस्टैब्लिश हुआ। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट 1936 में एस्टैब्लिश हुआ। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR 1929 में एस्टैब्लिश हुआ। नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NRDC 1953 में आपका एस्टैब्लिश किया गया था। ओजोन इज एन एलोट्रॉप ऑफ, तो ओजोन डैश का एक अपर रूप है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑक्सीजन हो जाएगा। ओजोन का एक ओजोन जो होता है आपका ये एक एलोट्रॉप है, किसका? ऑक्सीजन का। व्हाट इज द मास नंबर ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की द्रव्यमान की संख्या कितनी होती है? तो इसमें हमारा 14 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन का सिंबल आपको पता होगा, एन होता है, कैपिटल एन।
एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास आपको दोनों याद रखने हैं। एटॉमिक नंबर इसका आधा होता है एटॉमिक मास का, या फिर एटॉमिक नंबर का डबल होता है इसका एटॉमिक मास। तो एटॉमिक नंबर 7 होता है नाइट्रोजन का और एटॉमिक मास होता है 14। तो ये आपको ध्यान रखना है, 7 उसका डबल होता है मास 14। इसको जो निक्टोजेंस होते हैं उसके नाम से भी इसको कभी कभार जाना जाता है, तो वो भी आपको याद रखना है। ये जो मेनली यूज किया जाता है नाइट्रोजन का, वो आपका फर्टिलाइजर्स हो गए, नाइट्रिक एसिड में, नाइलॉन में, एक्सप्लोजिव्स में, डाइज में, इन सब में यूज किया जाता है आपका नाइट्रोजन का। अगर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करी जाए तो बाकी के मासेस को एक बार देखते हैं। ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का होता है 1, हीलियम का रहेगा 4, सल्फर का 32, कैल्शियम का 40, सोडियम का 23 होता है, सिलिकॉन का 28, कार्बन का 12। आइडेंटिफाई द करेक्ट केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का सही रासायनिक सूत्र पहचानिए। बहुत बार ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है एग्जाम्स में, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा CHCl3। अब यहाँ पे Cl जो रहेगा उसके तीन कंपोनेंट रहेंगे और CH का आपका एक रहेगा। CH को मिथेन भी बोला जाता है, Cl आपका क्लोरीन होता है, तो ट्राई क्लोरोमिथेन के नाम से इसको जाना जाता है, जो कि हमारा केमिकल नेम हो जाएगा क्लोरोफॉर्म का। हाउ मच परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। तो वायुमंडल में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन मौजूद है, तो इसमें हमारा 21% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर सबसे ज्यादा जो प्रेजेंट है उसकी बात करी जाए तो नाइट्रोजन गैस जो है वो आपकी सबसे ज्यादा प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, जिसको N2 के सिंबल से डिनोट किया जाता है। 78% आपको नाइट्रोजन मिलेगी एटमॉस्फेयर में। अगर ऑक्सीजन की हम बात करें, O2 की बात करें, O2 सिंबल है ऑक्सीजन का, तो 20.94% बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, 20.94% ऑक्सीजन प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली 21% लेके चलते हैं। अगर तीसरी मोस्ट प्रेजेंट गैस की हम बात करें तो आर्गन हो जाएगी, AR, जो कि 0.93% हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, जिसको हम 1% भी आपको कभी कभार ऑप्शन में मिल जाता है। हु इज फेमसली नोन एज फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो जो हमारा परमाणु कार्यक्रम था उसके जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा होमी जे बाबा। होमी जे बाबा आपके इन्वेंटर रहेंगे इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के, इनकी इनके कारण की वजह से ही, इनके कारण ही जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है इंडिया में वो रन किया गया था, और फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के नाम से इनको जाना जाता है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की यहाँ पे बात करें तो इंडियन स्पेस प्रोग्राम का फादर बोला जाता है विक्रम साराभाई को, मिसाइल टेक्नोलॉजी या मिसाइल मैन ऑफ इंडिया APJ अब्दुल कलाम को बोला जाता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर, इंडियन सिविल सर्विसेज के चार्ल्स कॉनवेलिस, इंडियन सिनेमा के दादा भाई नरोजी और दादा साहिब फाल्के, इंटरनेट के आपके विंट सरफ हो जाएंगे। अ डैश इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट रिसीव्स अ वीक सिग्नल एंड रीजनरेट इट। तो एक आपकी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है जो कि कमजोर सिग्नल को प्राप्त करता है और उसके पुनः उत्पन्न करता है, तो उसमें उसका क्या नाम होता है, तो कौन सी डिवाइस रहेगी आपकी, उपकरण रहेगा, तो ये आपका रिपीटर होता है। क्या ले करता है, वीक सिग्नल को लेता है और उसको रीजनरेट कर देता है। हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड द न्यूट्रॉन। निम्नलिखित में से न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा करी गई थी, हमने पीछे ही अपने पाठ में कवर किया था, जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया गया था। अगर कुछ डिस्कवरीज की बात करें तो क्वांटम थ्योरी दी गई है नील बोर और मैक्स प्लैंक के द्वारा, प्रोटॉन को डिस्कवर किया गया रदरफोर्ड के द्वारा, टेलीस्कोप को गैलीलियो के द्वारा, रेडियो एक्टिविटी को हेनरी बेक्यूरेल के द्वारा, रेडियम को मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी के द्वारा, प्लास्टिक को लियो बैकलैंड के द्वारा, पेनिसिलिन को अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। दी SI यूनिट ऑफ वर्क इज, कार्य की SI इकाई क्या होती है, तो वो होती है हमारी जूल। वॉट इज स्पीड, स्पीड जो होती है, गति जो होती है, वो क्या होती है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। जो डिस्टेंस कवर किया जा रहा है किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा यूनिट टाइम में, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पीड। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज शील्ड द सरफेस ऑफ अर्थ फ्रॉम अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन। तो सूर्य से जो अल्ट्रा वायलेट रेज आती हैं, उनको कौन सी गैस रहेगी, कौन सी लेयर रहेगी जो शील्ड की तरह रोकती है सरफेस तक पहुंचने में, अर्थ के सरफेस तक पहुंचने में यूवी रेस को कौन सी आपकी लेयर है जो रोकती है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ओजोन लेयर हो जाएगा। ओजोन गैस जो है उसकी लेयर रहेगी
जो कि रोकती है सरफेस तक अर्थ के अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को पहुंचने से। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, CaSO4.5H2O। अगर यहाँ पे जिप्सम का पूछा जाता तो बस आपका हाफ का डिफरेंस होता है, हाफ की जगह अगर आपको यहाँ पे टू मिलता तो आपका क्या बन जाता, जिप्सम बन जाता। जिप्सम को अगर हम हीट करेंगे तो उससे क्या बनता है, आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। तो CaSO4.5H2 होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला, और CaSO4.2H2 होता है आपका जिप्सम का फॉर्मूला। अगर स्लेक्ड लाइम के फॉर्मूले की बात करी जाए तो CaOH का ट्वाइस रहेगा आपका स्लेक्ड लाइम का फॉर्मूला, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का होता है MgOH2, ब्लू विट्रोल का होता है CuSO4.5H2O, एसिटिक एसिड का CH3COOH होता है, अमोनिया का होता है NH3, कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3, ऑयल ऑफ विट्रोल का फॉर्मूला होता है H2SO4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनो एटॉमिक, निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणुक है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हीलियम। हीलियम क्या होता है, मोनो एटॉमिक होता है। डैश इज द स्टडी ऑफ एंशियंट प्लांट लाइक मोसेस दैट ग्रो इन मॉइस्ट ह्यूमिड एनवायरमेंट। तो ऐसा कौन सा आपका प्राचीन पौधा रहेगा जिसके अध्ययन को, जो कि आपका नम रहेगा और आर्द्र में उगता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रायोलॉजी। ब्रायोलॉजी बोला जाता है स्टडी को आपका एंशियंट प्लांट, जो कि आपका मोसेस रहेगा, जो वो ग्रो होता है आपका मॉइस्ट या फिर ह्यूमिड एनवायरमेंट में। अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करी जाए तो एथनोबोटनी होता है, जो किस चीज की स्टडी को बोला जाता है, तो पीपल ऑफ पर्टिकुलर रीजन हु यूजेस इंडिजिनस प्लांट, उनकी स्टडी को क्या बोला जाता है, एथनोबोटनी बोला जाता है। पेलिनोलॉजी बोला जाता है प्लांट्स के जो पॉलिनेशन और जो स्पोर्ट्स ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी स्टडी को। जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं आपके ट्री श्रब्स के, इन सब की स्टडी को डेंड्रोलॉजी बोला जाता है। जो पैरासाइट्स होते हैं उनकी स्टडी को पेरिसोटोलॉजी बोला जाता है। मैनकाइंड की स्टडी को एंथ्रोपोलॉजी बोला जाता है। इम्यून सिस्टम की स्टडी को इम्यूनोलॉजी, और प्लांट की लाइफ या फिर प्लांट्स की स्टडी को हम बोटेनी के नाम से जानते हैं। व्हाट इज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट्स इज नोन एज, तो पौधों से जल की हानि को क्या कहा जाता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ट्रांसपीरेशन हो जाएगा, जिसमें लॉस ऑफ वाटर होता है प्लांट्स का। डैश पार्ट ऑफ जाइलम टिश्यू इन प्लांट स्टोर्स फूड, तो पौधे जो होते हैं उनमें जो जाइलम उत्तक होता है उसका कौन सा भाग होता है जो कि भोजन का भंडार करता है? तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, जो जाइलम पेरेंसीमा होता है, ये आपका एक पार्ट रहता है जाइलम का जो क्या करता है, स्टोर करता है फूड को। विस्कोस फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डैश, विस्कोस फाइबर किससे प्राप्त होता है? तो ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, सेल्यूलोज से आपका ऑब्टेन होता है विस्कोस फाइबर। विच ऑफ द फॉलोइंग आई डिसऑर्डर इज नोन एज लेजी आई, तो आलसी जो आंख है वो आपका कौन सा एक आई डिसऑर्डर होता है, नेत्र विकार होता है जिसको बोला जाता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा एम्ब्लिपिया। एम्ब्लिपिया जो है एक आपकी बीमारी होती है, एक डिसऑर्डर होता है जिसको लेजी आई भी बोला जाता है। द टोटल प्रेशर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ आइडियल गैस इज द सम ऑफ पार्शियल गैस, तो ये लॉ किसको और किस नाम से जाना जाता है कि इसमें क्या होता है, जो टोटल प्रेशर होता है मिक्सचर का आइडियल गैसेस का वो सम होता है पार्शियल प्रेशर्स का। तो ये आपका डाल्टन्स लॉ जो रहेगा वो आपका इसमें रिलेटेड रहेगा। हस्क ऑफ अ कोकोनट इज मेड अप ऑफ डैश टिश्यू, जो आपका जो नारियल होता है, जो कोकोनट होता है उसका जो छिलका होता है, उसका जो उतक होता है वो किससे बना होता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सेलेंचाइमा। सेलेंचाइमा जो है ये आपका हस्क ऑफ कोकोनट जो होता है ये बना होता है। हु फाउंडेड द वैल्यू ऑफ जी, जी का मान किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश के द्वारा जो वैल्यू है जी की, जी जो होता है ये क्या डिनोट करता है आपका ग्रेविटी को, और अगर वैल्यू की बात करी जाए तो वैल्यू ऑफ ग्रेविटी जो है अर्थ पे वो रहेगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वो जो वैल्यू फाउंड करी गई थी वो करी गई थी हेनरी कैवेंडिश के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, जो संपर्क बल होता है उसका कौन सा उदाहरण है? तो वो आपका हो जाएगा मस्कुलर फोर्स। व्हाट इज ए मेजर ऑफ द मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर कॉल्ड,
तो जो वायु में आपका उपस्थित नमी होती है उसको क्या बोला जाता है, उसको क्या किस चीज से डिनोट करते हैं हम, तो उसको ह्यूमिडिटी बोला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एथनोइक एसिड, तो कौन सा गिवन ऑप्शंस में से एक आपकी एथनोइक एसिड है, तो इसमें एसिटिक एसिड इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोटैश एलम, निम्नलिखित में से कौन सा एक पोटैश एलम है, मतलब आपसे फॉर्मूला पूछा जा रहा है पोटैश एलम का, तो केमिकल फॉर्मूला आपका हो जाएगा ऑप्शन बी K2SO4Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। ये फॉर्मूला रहेगा आपका, केमिकल फॉर्मूला है पोटैश एलम का। एसिड चेंजेस द कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर टू, तो बिल्कुल बेसिक इजी क्वेश्चन आपका रहता है कि जो एसिड होता है वो ब्लू लिटमस पेपर को किसमें कन्वर्ट कर देता है, रेड लिटमस पेपर में, और रेड लिटमस पेपर को जो ब्लू में कन्वर्ट करता है वो आपका क्या होता है, बेस। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन एज पर मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल, तो जो कार्बन होता है उसका एटॉमिक नंबर आपसे पूछा जा रहा है, तो इसमें हमारा 6 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, पीछे हमने क्वेश्चन को कवर भी किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ की पांचवी अवस्था है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट्स, तो ये जो है आपकी फिफ्थ स्टेट रहेगी मैटर की। एन आइसोटोप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, तो कौन सा आइसोटोप है जिसका प्रयोग किया जाता है आपके कैंसर के उपचार में, क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ऑप्शन ए कोबाल्ट इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है, कोबाल्ट 60, कोबाल्ट या रेडोन गैस रहेगी आपकी, ये सब आपकी ट्रीटमेंट में यूज होती है कैंसर के। व्हाट डिसीज इज कॉज्ड बाय इंसुलिन डेफिशिएंसी, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो डायबिटीज आपने सुना होगा, डायबिटीज मेलिटस जो होता है ये आपका एक डिसीज होती है जिसमें इंसुलिन की कमी होती है। आप सबको पता होगा जिनका जिनको बहुत ज्यादा जो डायबिटिक लोग होते हैं वो इंसुलिन के इंजेक्शंस लेते हैं, क्योंकि शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है जिस कारण की वजह से इंसुलिन के इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं, तो इंसुलिन एक डेफिशिएंसी है आपकी डायबिटीज। इन लीव्स ट्रांसपिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू डैश, तो पत्तियों में जो आपका ट्रांसपिरेशन होता है वो डैश के माध्यम में से होता है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टोमेटा, स्टोमेटा होता है जो कि प्लांट्स में आपका प्रेजेंट होता है, उसके थ्रू ट्रांसपिरेशन होता है प्लांट्स में। विच विटामिन आर प्रेजेंट इन मिल्क, तो दूध में कौन से विटामिन मौजूद होते हैं, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन डी, ये तीनों विटामिन प्रेजेंट होते हैं मिल्क में। विच इज ए विजिबल साइन ऑफ सीवियर आयोडीन डेफिशिएंसी, तो गंभीर जो आयोडीन की कमी है उसका जो स्पष्ट संकेत है वो कौन सा क्या होता है, तो स्वेलिंग इन दी नेक, जब हमारे गले पे सूजन आ जाती है तो वो एक हमारा आयोडीन की कमी का, आयोडीन जो हमारी बॉडी में होता है उसकी सीवियर कमी की वजह से जो स्वेलिंग होती है नेक पे वो आ जाती है। द केमिकल सिंबल ऑफ मोलिब्डेनम इज, तो मोलिब्डेनम जो है उसका रासायनिक प्रतीक क्या होता है, तो आपका MO इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक जो अमल होता है उसका आणविक जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 63 मॉलिक्यूलर मास होता है नाइट्रिक एसिड का। हु सिंथेसाइज्ड एसिटिक एसिड फॉर द फर्स्ट टाइम, तो सर्वप्रथम जो एसिटिक अमल है आपका उसका संश्लेषण किसके द्वारा किया गया था, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कोल्ब, कोल्ब के द्वारा सबसे पहले सिंथेसाइज किया गया था एसिटिक एसिड को। व्हाट डज पी इन पी एच स्टैंड फॉर, तो पी जो होता है पी एच में जो पी होता है उसका मतलब क्या होता है, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो पोटेंशियल इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो पी एच होता है इसकी फुल फॉर्म होती है पोटेशियम ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल पी की फुल फॉर्म होती है पोटेंशियल और पूरा होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो ये टोटल हमारे 50 क्वेश्चंस थे साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं उनको हमने यहाँ पे कवर किया है और ये हमारा 6th पार्ट रहेगा, 6th सेट है साइंस की सीरीज का। दो हमारे क्विज के क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। जो हमारा पहला आज का टेस्ट का क्वेश्चन है वो रहेगा हस्क ऑफ अ कोकोनट इज मेड अप ऑफ डैश टिश्यू, तो नारियल का जो छिलका होता है वो किस उन्तक से बना होता है, तो गिवन ऑप्शंस में से जो भी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आप उसको जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। अगला जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो है
इन विच ऑफ द फॉलोइंग वे ऑफ हीट ट्रांसफर नो मीडियम इज रिक्वायर्ड। तो हीट के ट्रांसफर में कोई भी मीडियम नहीं जरूरत पड़ती, किसी भी मीडियम की माध्यम की रिक्वायरमेंट आवश्यकता नहीं होती है, तो ऐसा कौन सा आपका वे होता है, कौन सा तरीका होता है। तो गिवन ऑप्शंस में से जो भी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, दोनों ही क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करने हैं। अगर आपको ई बुक बाय करनी हो तो हमारी वेबसाइट रहेगी ravibookspdf.com के नाम से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी ई बुक्स को डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। धन्यवाद।